जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं कनाल रोड रिजवान गार्डन लाहौर। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के करम से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की दी हुई ताकत से इंशाल्लाह थोड़ी देर तक रिजवान गार्डन से हमारा जो सफ़र है बसिलसिला सफ़र का शुरू होगा गमगोल शरीफ कोहाट जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का उस मुबारक की जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला अकीदत से जारी और सारी है। आज जुमा है, पहला दिन है उसका, कल हफ्ता दूसरा दिन होगा, फिर इतवार को तीसरा दिन होगा और जोहर के बाद दुआए खैर होगी वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए दुआ मांगी जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है वो रिजवान गार्डन से गमगोल शरीफ का थोड़ी देर तक इंशाल्लाह शुरू होगा। तो आपने हमारे चैनल के साथ लाहौर से लेकर कोहाट गमगोल शरीफ तक हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह हम आपको जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जितनी भी मालूमात अपने चैनल के तवसल से होगी आप तक पहुंचाएंगे कि आपको जिंदा पीर क्यों कहते हैं, आप किन के मुरीद थे, आपका विसाल कब हुआ और ये उर्स जो है 76 जो उर्स मुबारक हो रहा है मकम्बल, इसकी मालूमात हम आपको देंगे। आपने हमारे चैनल के साथ रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान, आपके और हमारे भी सब के क्या कहते हैं सहेल भाई, क्या होते हैं वो, साथी दोस्त मोहम्मद सहेल चुराही और शुएब भाई। तो आज कुछ थोड़ा सा बताएंगे सहेल भाई। जी अब्दुल वाहद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम जा रहे हैं उर्स मुबारक गमगोल शरीफ पीर जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ज़िला कोहाट। आज उर्स का पहला दिन है, ठीक है जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हमारी भी सफ़र की रवानगी होगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको अपनी पनाह में रखे और हम खैर खैरियत से पहुँचे और खैर खैरियत से वापस आएँ जी इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी अपने व्यूअर्स के लिए जिंदा पीर सरकार से जितनी भी कवरेज हो सके, जो आपके अकीदत मंद हैं, जो चाहने वाले हैं, जो मसरूफियात की वजह से या मुल्क से बाहर हैं आपके अकीदत मंद, उन तक हमारे चैनल के तवसल से जो भी अच्छे से अच्छा पैगाम और मालूमात उन तक पहुंच सके। शुएब भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जिस उर्स पे आप जा रहे हैं अल्लाह आपका सफ़र बेहतरीन करे और वापसी भी इंशाल्लाह अपने घर खैर वाफियत से पहुँचें, ठीक है। और जहाँ पे आप जा रहे हैं ना वाहिद भाई, वहाँ पे अल्लाह का बहुत करम है और वहाँ पे 24 घंटे अल्लाह का जिक्र, अंबिया कराम का जिक्र और तमाम शहदा करबला की कुर्बानी भी बताई जाती है कि क्या उनके फ़ज़ाइल थे कुर्बानी के, क्या साहबता था, ठीक है। तो बाकी अल्लाह वालों के पास जाना ये बड़े शर्फ की बात होती है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने इतना अच्छा सफ़र का आगाज़ किया है। अल्लाह आपकी वापसी अच्छे और बेहतरीन तरीके से करे और मेरी ये दुआ है और सारे पाकिस्तान के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह बेहतरी फरमाए, आमीन। नहीं वीवर, आप लोग हमारे साथ रहिएगा इस जो ये जो खूबसूरत और बरकतों वाला सफ़र है, अल्लाह वालों के दर की जो हाज़िरी है, अल्लाह वाले जो होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं, बरगजीदा नेक बंदे होते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बुलंद किया। तो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे वो जो मनाजर आप उधर देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अल्लाह वालों का क्या मकाम है। लाहौर से जिंदा पीर तक आपने हमारे साथ रहना है। और
जी सुहेल भाई, यहाँ तक सफर कैसा रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह सफर बड़ा अच्छा गुजर रहा है। अच्छा जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगला सफर भी हमारा बेहतरीन गुजरेगा। बेहतरीन गुजरेगा इंशाल्लाह। तो सुबह कितने बजे तक गमगोल शरीफ पहुँच जाएंगे हम? इंशाल्लाह 7-8 बजे सुबह। चलें, अल्लाह ताला खैर फरमाए जी। तो थकावट तो नहीं महसूस हो रही? नहीं, अभी सफर कौन सा किया है जी, थकावट का तो सफर ही नहीं है। शायद T20 में अभी तो जी मैक्सिमम हमें 1 घंटा और 25 मिनट का सफर हमने तय किया है जी। चलें जी, व्यूअर्स मोटरवे पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, बात भी होगी इंशाल्लाह। सुहेल भाई कहाँ मौजूद हैं इस वक्त हम? जी मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं जी कलर खार। हल्की हल्की बारिश थी है, माशाल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी। बस हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जी माशाल्लाह। गमगोल शरीफ का मौसम भी माशाल्लाह फिर प्यारा ही होगा जी। जी हाँ जी, अल्लाह वालों का उर्स है और फिर मौसम भी खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी माशाल्लाह, वो बारिश भी मैप शो कर रहा है, चले देखते हैं इंशाल्लाह जाके जी। जी अल्लाह खैर करेगा जी, फिर बाकी बात होती है आपसे। लें जी कलर का हार रुके हैं, मौसम बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, खूबसूरत मौसम, तो फिर खूबसूरत ही नज़ारे अल्लाह वालों के दरगाह से भी आपको इंशाल्लाह सुबह देखने को मिलेंगे।